सो ओके गाइस, आज हम फिर से आ गए टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो आज मैं आपको इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। इस टाइप की वीडियो आप कैसे बना सकते हैं, तो इस टाइप की वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काइनमास्टर एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे दिया हूँ, आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद तो चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पर आना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखा हूँ, वीडियो को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे हैं उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने वीडियो को तीन पार्ट में अलग अलग शूट किया हो, तो आपको भी कुछ इस तरह से शूट कर लेना है, दो पार्ट में या फिर तीन पार्ट में। इसके बाद वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लिप पर क्लिक करेंगे, ओरिजिनल साउंड को आपको म्यूट कर देना है। साउंड म्यूट करने के बाद वीडियो को आपको एक से दो बार प्ले कर देख लेना है, वीडियो आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। वीडियो यहाँ पे हमें 4 से 5 सेकेंड तक का चाहिए, तो मैं यहाँ पे 6 सेकेंड 5.6 सेकेंड तक का रहने देता हूँ। सबसे पहले वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और स्पीड कंट्रोल पर आएंगे और यहाँ पर हमें स्लो मोशन करना है। तो 0.5 से पहले एक डॉट मिल रहा है, इस पर हमें क्लिक कर देना है, तो वीडियो हमारा स्लो मोशन में हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार प्ले कर भी दिखा देता हूँ। जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, हमारा वीडियो ये स्लो मोशन में हो चुका है। तो मैं यहाँ 4 से 5 सेकंड तक का वीडियो को सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं 5.6 तक का रहने देता हूँ। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे और स्पीड टू प्ले हिट कर देंगे। और इस वीडियो का हमारा काम हो चुका है, वीडियो पर क्लिक करेंगे, इसे आपको डिलीट कर देना है। इसके बाद सेकेंड वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें करना क्या है, स्ट्रेक्ट आइडियो कर देना है। इससे क्या होगा, वीडियो में जो भी आइडियो है वो आपको बाहर आ जाएगा। वीडियो पर क्लिक करेंगे, इसे आपको लास्ट तक लेकर आ जाना है। इसके बाद इस वीडियो में आपको 5 सेकेंड तक का सीन चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 6 सेकेंड का सीन दिया था, तो यहाँ पे 5 सेकेंड तक लेना है। तो यहाँ पे 11.1 तक का रहने देता हूँ। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैची के निशान पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें 6 सेकेंड के पहले का पार्ट जो है हमें रिमूव करना है। तो 12.0 पे आता हूँ, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैची के निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। लेफ्ट साइड का पार्ट जो भी एक्स्ट्रा था मैंने रिमूव कर दिया हूँ। इसके बाद वीडियो को आई तरफ लेकर आना है और 11.0 पे आता हूँ, वीडियो क्लियर पे क्लिक करता हूँ, कैचिंग निशान पे क्लिक करता हूँ और ट्रिम टू राइट कर देता हूँ। राइट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा को मैंने रिमूव कर दिया हूँ। मीडिया पे आना है और यहाँ पे आपको सेकेंड वीडियो आपका लेकर आना है, जो आपने सेकेंड वीडियो शूट कर रखे हैं। वीडियो पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपका देखना है हमारा वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो को हमारा देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट हमारा एक्स्ट्रा है, ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। वीडियो पे क्लिक करेंगे और इसे हमें स्लो मोशन करना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करने के बाद स्पीड कंट्रोल पे आ जाते हैं और यहाँ पे आपके 0.5 सेलेक्ट कर सकते हैं, 0.5 सेलेक्ट कर देता हूँ। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, ओरिजिनल साउंड को आपको म्यूट कर देना है और आपको जो लास्ट तक का पार्ट चाहिए लास्ट तक का मैं पार्ट रहने देता हूँ और लास्ट का पार्ट जो कुछ एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देता हूँ। और हमारा वीडियो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो फर्स्ट वाला वीडियो कुछ इस तरह से आएगा देखने में, सेकेंड वीडियो कुछ इस तरह से, थर्ड वीडियो कुछ इस तरह से। इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन इफेक्ट देना है। तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है एक्सीलेशन का, एक्सीलेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको स्पीड इन या फिर स्पीड आउट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे स्पीड इन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद सेकेंड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक्सीलेशन पर फिर से आना है। इसके बाद यहाँ पे आपको स्पीड इन या फिर स्पीड आउट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने फर्स्ट में स्पीड इन सेलेक्ट किया हूँ, तो यहाँ पे हमें स्पीड आउट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। तो लास्ट का कुछ पार्ट आपको देख सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा कम रहा है, तो यहाँ पर सेकेंड थर्ड वीडियो जो आपने शूट किए थे वो वीडियो लेकर आना है। तो मीडिया पर आना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का भी लिंक दे रखा हूँ, आपको लास्ट का वीडियो का कुछ सीन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने ट्रिम टू लेफ्ट कर देता हूँ। अब आपका वीडियो देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा पार्ट जो भी है आपको रिमूव कर देना है और इसके बाद ट्रांजेक्शन इफेक्ट यहाँ पे देना है। तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, एक्सीलेशन पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको स्पीड डाउन या फिर स्पीड अप सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अब आपका वीडियो यहाँ पर कुछ इस तरह से देखने को मिल जाते हैं और हमारा वीडियो भी यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको साउंड देना है। तो साउंड देने के लिए आपको क्या करना है,
इस वीडियो पे क्लिक करेंगे, लास्ट पॉइंट पे आ जाना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, मैंने एक और वीडियो का लिंक दे रखा हूँ, उस वीडियो को भी आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद वीडियो को सेलेक्ट करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है और वीडियो को आपको डिलीट कर देना है। और इस साउंड पे आपको 1 से 2 बार प्ले कर कर देख लेना है हमारा कहाँ से साउंड स्टार्ट हो रहा है। तो मैं सबसे पहले प्ले कर देता हूँ। तो जैसे कि आपने देख रखे यहाँ पर ट्रांजेक्शन इफेक्ट है, तो यहाँ पर सिंपल क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। वीडियो पे क्लिक करना है, इस आइडियो पे क्लिक करेंगे, इसे आपको कुछ इस तरह से यहाँ तक लेकर आ जाना है। इस वीडियो पे क्लिक करना है, लास्ट पॉइंट पे आना है और जस्ट इसके सामने आपको इस ट्रांजेक्शन इफेक्ट साउंड को ऐड कर देना है और यहाँ तक आपको लेकर आना है। वीडियो पे क्लिक करेंगे और इसे आपको ट्रिम टू राइट कर देना है, तो आपका ट्रांजेक्शन साउंड कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट पर क्लिक कर देंगे, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इसे एडजस्ट कर देना है। फिर से इस पर क्लिक करेंगे और इसे भी आपको डुप्लीकेट कर देना है, इस पर क्लिक करेंगे और इसको आपको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। अब आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है और आपका वीडियो भी पूरी तरह से तैयार हो चुका है। सेटिंग पे आना है, ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है और आपका वीडियो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, मैंने एक वीडियो का भी लिंक दे रखा, उसी वीडियो का साउंड पर आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सैलेंज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं।